गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 करने जा रहे हैं। कल हमने लेक्चर नंबर 3 बनाया था, जिसमें लास्ट का जो प्रॉब्लम था, इसका वीडियो साफ नहीं आ रहा था। इसके कारण हम इस प्रॉब्लम को फिर से लेक्चर 4 में करने जा रहे हैं। तो इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, आप पिछला वीडियो नहीं देख पाए तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इस वीडियो को लेकर के पुनः आ रहे हैं। तो देखिए, आज हम पुनः इसको फिर से दिखाने जा रहे हैं। ड्रा द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ ए वर्टिकल सिलेंडर ऑफ बेस 40 mm डायमीटर एंड एक्सिस 60 mm लॉन्ग। इसका जो बेस का डायमीटर है ये 40 mm है, जो कि वर्टिकल है सिलेंडर। तो सिलेंडर वर्टिकल है, तो देखिए ये वर्टिकल सिलेंडर हम देख रहे हैं। तो एक सर्किल यहाँ भी है और एक सर्किल नीचे में है। तो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि सर्किल का जो है आइसोमेट्रिक व्यू इलिप्स बनता है। तो एक इलिप्स यहाँ बनेगा और दूसरा इलिप्स नीचे में बनेगा, और यहाँ से यहाँ जो हाइट होगा वो 60 mm होगा। तो आज हम लोग इसको फिर से बना के देख रहे हैं, क्योंकि पिछला लेक्चर में वीडियो क्लियर नहीं हो पाया था, इस कारण हम इसको यहीं से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमने एक बेस लाइन लिया। बेस लाइन के पॉइंट पे 30 डिग्री का एंगल लेंगे हम लोग। तो ये कॉर्नर को हम यहाँ मान लेते हैं। अब हम लोग 30 डिग्री का एंगल लेंगे, 30 डिग्री। 30 डिग्री इधर और ये 30 डिग्री इधर। अब देखिए, तो हम लोग इधर कितना जाएंगे, तो ये 40 mm, ये 40 mm, ये स्क्वायर है। और इस स्क्वायर को जब हम खोलेंगे तो एक रोम्बस बनेगा, और वो रोम्बस एच पेंसिल से बनेगा। केवल हमारा जो इलिप्स है वही एच बी पेंसिल से होगा। तो देखिए, इसको हम ले रहे हैं 40 mm, 40 mm हम इसको ले रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक 40 mm, इस साइड भी हम 40 mm ले लेंगे। इस साइड भी हम 40 mm ले लिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक आर्क लेकर के, देखिए इस तरह से कर लेंगे। यहाँ से जो ये नापे हैं वो इस साइड आर्क ले लेंगे। अब यहाँ से जो इसको नापेंगे, देखिए इसको यहाँ से जो यहाँ नापेंगे वो यहाँ आर्क ले लेंगे, या इसके बराबर हम लोग यहाँ ले लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसको मिला लेते हैं। तो ये हमारा रोम्बस बन गया स्क्वायर का, ये हमारा 40 mm होगा, और ये भी हमारा 40 mm होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस पर हाइट ले लेते हैं चारों पे, और एक रोम्बस उसी प्रकार का 60 हाइट पर आ जाएगा। देखिए, ये हम हाइट ले रहे हैं 60 mm, एकदम वर्टिकल होगा ये। चारों कॉर्नर पर लेंगे 1, ये हम लोग दूसरा ले रहे हैं 2, इस पर भी लेंगे, ये हो गया 3, और एक हम इस पर नीचे वाले पे ले लेंगे 60 mm, जो यहां होगा। अब हम क्या करेंगे, इस चारों पॉइंट को मिलाएंगे तो सिमिलरली एक रोम्बस ऊपर में मिल जाएगा। देखिए, ये हमारा 40 mm, ये भी हमारा 40 mm, ये भी हमारा हो जाएगा 40 mm, और ये भी हमारा हो जाएगा 40 mm। तो इस प्रकार हम दो रोम्बस बना चुके हैं। तो एक इलिप्स यहाँ दिखाएंगे, दूसरा इलिप्स यहाँ दिखाएंगे, तो हम लोग एक सिलेंडर बना लेंगे। तो सिलेंडर बनाने के लिए हम सर्किल का इलिप्स बनाएंगे। तो हम मेथड बता चुके हैं पहले,
अब इसको मिला देते हैं बाइसेक्ट करने के बाद, और उसके बाद अब हम करेंगे कि सबसे बड़े डायगोनल को मिलाएंगे। ये जो सबसे बड़ा डायगोनल है इसको हम लोग मिला लेंगे, अब देखिए यहां से हम फिर इसको इंटर फॉर्मेशन करते हैं, इसको यहां मिलाएंगे और इसको यहां मिलाएंगे, इस प्रकार हमारा चार सेंटर मिलेगा और चारों सेंटर से नजदीक का हम आर्क ले लेंगे। देखिए इसको वन, इसको टू, इसको थ्री और इसको फोर। अब देखिए हम आर्क ले रहे हैं फिर से एक बार, यह इसको यहाँ लिए पेंसिल का नोकी प्रकार का नोकी आ रहेगा। अब यहां से हमको एक आर्क डालना है, तो देखिए अब एक नंबर यहां से आर्क लेते हैं, देखिएगा दो, अब तीन नंबर से ले रहे हैं इसको, अब एक दो नंबर बच गया, एक यहां से हम इसको आर्क ले लेते हैं, चार। अब देखिए अब एक इसी टाइप का एलिप्स ऊपर में हम लोग बना लेंगे सिलेंडर के लिए, तो अब हम लोग ऊपर के भुजा को बाइसेक्ट करेंगे। अगर आप लोग को यहाँ पे अच्छा से नहीं समझ आ रहा हो तो इसी प्रोसेस को हम पुनः एक बार यहाँ कर रहे हैं। देखिए ये 40 mm है, इसको हम लोग बाइसेक्ट कर रहे हैं, सभी साइड को बाइसेक्ट कर लेंगे। मिला लेते हैं इसको, सबसे बड़ा डायगोनल को मिलाएंगे, इसको यहां से यहां मिला देते हैं और इसको यहां मिलाते हैं, तो हम यहां भी चार सेंटर पता लगा लेंगे। तो यहां भी चार सेंटर पता लगा करके उसी प्रकार से इस पारेंगे, देखिए वन टू थ्री फोर, हम किसी को भी वन टू थ्री फोर कर सकते हैं। तो हम चार नंबर पर से चल रहे, देखिए काट लेंगे यहाँ चार नंबर से नजदीक का, तो ये इस प्रकार होगा। अब यहां से एक नंबर से ले रहे हैं, अब दो नंबर से ले रहे हैं, देखिएगा अब बच गया तीन नंबर से, अब क्या करेंगे, अब हम लोग सिलेंडर के लिए इसको मिला देते हैं इस कॉर्नर से, इस पॉइंट से इस पॉइंट को, यहां इस साइड से भी मिला देंगे हम लोग, तो ये हमारा वर्टिकल सिलेंडर बन करके रेडी हो गया। तो बनकर जब रेडी हो तो देखेंगे कि ये पीछे वाला पोर्शन हम लोग को नहीं दिखेगा, इसलिए यह हिडन लाइन होगा, डॉटेड लाइन सिलेंडर का, ठीक है। तो अब हम इसको डायमेंशन कर लेते हैं कि ये हमारा जो है 60 mm है और ये हमारा जो है 40 mm है। तो इस प्रकार हमारा वर्टिकल सिलेंडर बन करके तैयार हो गया। अब हम लोग इसके बाद इस नीचे वाले एलिप्स का यूज लेंगे और एक फ्रस्टम बनाने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि फ्रस्टम होगा। अब हम लोग इसी का यूज लेकर के हम लोग अब एक सिलेंड्रिकल फ्रस्टम बनाने जा रहे हैं, जो कि जिसका बेस का डायमीटर जो है, बेस का डायमीटर 40 mm और अपर बेस का डायमीटर 20 mm है। ये जो है सिलेंड्रिकल फ्रस्टम कॉनिकल फ्रस्टम होगा, कोन को जब हम लोग ऊपर वाले पोर्शन को हटा देंगे, जब हम लोग एक शंकु के ऊपर वाले पोर्शन को काट करके हटा देंगे, तो वह कॉनिकल फ्रस्टम होगा, जो कि
ये सर्किल है, इसको हम लोग बॉटम बेस के डायमीटर वाले सर्किल को हम इलिप्स में कन्वर्ट कर लिए हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सर्किल होगा वो 20 mm डायमीटर का होगा। जस्ट लाइक हम कह सकते हैं कि जब उसका हम लोग टॉप ही देखेंगे तो इसमें सीधे इसका हाफ सर्किल हो जाएगा। तो जब हम इसको भी हम लोग बाउंड्री करेंगे तो इसका भी जो हम लोग का ये होगा स्क्वायर, इसका जो साइड हो जाएगा वो 20 mm आ जाएगा इसका। तो अब हम लोग यहाँ पे 20 mm डायमीटर का सर्किल तैयार करेंगे। तो देखिए ये हमारा 40 है तो ये हमारा 20 है, इसका मतलब 5 हम इधर से, 5 हम इधर से छोड़ देते हैं, 5 इधर से और 5 इधर से छोड़ देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक छोटा रोम्बस तैयार कर लेंगे और उसके बाद उस छोटे रोम्बस में इस सर्किल का हम लोग लिफ्ट दिखाएंगे। उसके बाद कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिला देंगे तो हम लोग को कॉनिकल फ्रस्टम तैयार हो जाएगा। तो अब हम लोग देखिए क्या करते हैं कि यहाँ पे 20 mm साइड का एक छोटा रोम्बस तैयार कर लेंगे। तो हम चारों साइड से 5-5 mm छोड़ देते हैं। देखिए इसको हम आने सामने मिला देते हैं। ये देखिए अब हम क्या करते हैं, इसको इतना हम इरेज कर देते हैं यहां से इसको। तो ये आप देख रहे हैं कि ऊपर में 20 mm रोम्बस का एक 20 mm साइड का एक रोम्बस मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम एक इलिप्स बनाएंगे। तो इसका इलिप्स भी बनाने के लिए जिसमें तक अपना यहाँ किए सेम टू सेम मेथड यहाँ अप्लाई करेंगे। तो इस चारों साइड को सबसे पहले हम बाइसेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए ये 20 है तो हम लोग इसको आधा कर लेंगे 10 चारों साइड को। सबसे बड़ा विकर्ण को हम मिला लेते हैं हम लोग। अब हम लोग यहां भी उसी प्रकार से सेंटर को पता लगा करके इसको हम लोग 4 सेंटर ले लिए, 1, 2, 3 और ये 4। अब ये चारों पर हम आर्क ले लेते हैं। देखिए 4 नंबर पर से सबसे पहले हम लोग इसको लेंगे, फिर 1 नंबर पर से ले रहे हैं, फिर आप 3 नंबर पर से लेंगे, अब जो है 2 नंबर पर से लेंगे, इस प्रकार से ये हो गया हमारा एक आर्क के थ्रू एक छोटा एलिप्स यहाँ बन गया जिसका डायमीटर 20 mm है। आप कॉर्नर टू कॉर्नर इसको टेंजेंट ले लेंगे। देखिए इस प्रकार से इस कॉर्नर से इस पे हम टेंजेंट ले लेते हैं और यहां से यहां तक हम इस कॉर्नर पे इसको टेंजेंट ले लेते हैं। ये हमारा कॉनिकल फ्रस्टम बन करके तैयार हो गया। अगर जब हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो यह एक कोन बन जाएगा।
चलिए अब हम लोग आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि थ्री व्यू ऑफ ए ब्लॉक आर गिवेन। एक ब्लॉक का तीन व्यू दिया हुआ है। ड्रा इट्स आइसोमेट्रिक व्यू। तो हम लोग इसका आइसोमेट्रिक व्यू बनाएंगे। तो हम लोग जानते हैं कि ये फ्रंट व्यू है और फ्रंट व्यू के ठीक नीचे टॉप व्यू होता है। ये फ्रंट व्यू है, हमेशा फ्रंट के लेफ्ट में बनेगा। देखिए ये एक हमारा ब्लॉक है, तो इस ब्लॉक में हम इसको ऐसे ले रहे हैं इस तरह से। ये हमारा फ्रंट व्यू है, तो फ्रंट व्यू में हम लोग देख रहे हैं लेंथ और हाइट नजर आएगा। ये हमारा लेंथ है 100 mm और ये हमारा हाइट है 40 mm। टॉप व्यू हमारा ये हमारा ब्रेथ है और ये हमारा लेंथ है। जब टॉप व्यू खोलेंगे तो इस प्रकार से हमारा ये ब्रेथ है, ये लेंथ हो जाएगा। तो ये ब्रेथ है 60 mm और ये लेंथ है 100 mm। लेकिन देखिए इसको हम लोग जब इधर से देखेंगे आपको समझिएगा, तो ये राइट हैंड साइड व्यू हमेशा लेफ्ट में खुलेगा और लेफ्ट हैंड साइड व्यू हमेशा फ्रंट के राइट में खुलेगा। तो ये हम देख रहे हैं कि ये राइट हैंड साइड व्यू है, तो हम फ्रंट के लेफ्ट में बना है। तो यहाँ पे हम एक डायरेक्शन ले लेंगे कि इस साइड हमारा साइड व्यू होगा और इस साइड हमारा फ्रंट व्यू हो जाएगा। तो अब हम बीच में फिगर को बनाएंगे, तो इस साइड हम लोग फ्रंट लेंगे और इस साइड से साइड लेंगे। तो अब हम लोग एक बेस लाइन ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग एक बेस लाइन ले रहे हैं, ये हमारा बेस लाइन हो गया। यहाँ पे हम पॉइंट लेंगे और हम लोग जानते हैं कि दोनों साइड का एंगल कितना लेना है, 30-30 degree। तो हम 30-30 degree का एंगल ले लेंगे। ये दोनों साइड से हम 30-30 degree का एंगल ले लिए और इसको हम लोग ले जाएंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि फ्रंट इधर से है, तो फ्रंट व्यू में हम लोग को लेंथ और हाइट लेना है। तो हम लोग इधर लेंथ और हाइट लेंगे, तो लेंथ हमारा 100 mm है, तो इसको हम लोग 100 mm लेंथ ले लेते हैं। ये सीधे हम HB पेंसिल से वर्क करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमको ब्लॉक को दिखाना है। ये हम लोग 100 mm ले लिए और इस पर जो हम लोग का हाइट है और 40 mm है, तो हम लोग इस पर हाइट देखिए 40, इसको भी हम लोग ले रहे हैं 40 और इसको यहां मिला देते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा फ्रंट व्यू तैयार हो गया। ये हमारा फ्रंट व्यू है, यहां से यहां तक ये जो हमारा है ये है 100 mm। अब देखिए साइड व्यू हम इधर से ले रहे हैं, तो साइड व्यू में हमारा चौड़ाई जो है 60 mm है, तो इसको हम लोग 60 mm लेंगे और इसका हाइट जो है 40 mm है, तो ये हमारा 40, तो ये भी हमारा 40 होगा और इसको हम लोग मिला देते हैं, तो ये हमारा साइड व्यू आ गया। ये हमारा साइड व्यू आ गया। अब हम लोग देखते हैं टॉप व्यू का, तो टॉप व्यू ऊपर से होगा, तो टॉप व्यू में लंबाई और चौड़ाई होगा। अब देखिए इसको कैसे पूरा करेंगे, तो जितना ये साइड है हम उतना नाप करके यहाँ पर से एक आर्क ले लिए। देखिए इसको नाप करके इधर हम आर्क ले लिए, तो जो प्लाई जाएगा ये इससे पैरेलल होगा और इधर का जो हम ये नापेंगे, देख लीजिए इसको, इधर से जो हम नापेंगे यहाँ पर कट कर लेंगे। अब इसको हम लोग मिला देते हैं, तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट इस मीन्स ब्लॉक बन करके तैयार हो जाएगा। लेकिन ये ब्लॉक हमारा अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें
ये ब्लॉक हमारा बनके तैयार हो गया, लेकिन इसमें भी हमें अभी कुछ करना बाकी है। और वो जो बाकी है सबसे इम्पोर्टेंट चीज है नेमिंग, तब हम लोग यहाँ नेमिंग कर लेंगे। नेमिंग कर लेते हैं तो नेमिंग में देखते हैं कि हमारा साइड व्यू का क्या नाम है, बी सी आर क्यू। तो यहां देखते हैं बी सी आर, यहां क्यू। अब फ्रंट व्यू का नाम ए बी क्यू पी, तो यहां ए बी क्यू, यहां पी। तो टॉप व्यू का नाम देखते हैं ए बी सी डी, तो ये ए बी सी और ये डी। तो इस प्रकार हम लोग तीन फिगर को एक फिगर में एडजस्ट कर दिए हैं। तो ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू हो गया। तीन फिगर का एक फिगर बनाएंगे तो आइसोमेट्रिक होगा, और जब हम लोग इसमें एक फिगर दिया हुआ रहेगा और तीन फिगर में ब्रेक करेंगे तो वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में होगा, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में पढ़ेंगे। तो ठीक है, अब हम लोग इसमें आगे जो क्वेश्चन है वो करते रहेंगे, तीन फिगर का एक फिगर जोड़ने वाला। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो हम लोग इसको आगे नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आएंगे। ठीक है, आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहे। ओके, थैंक यू।